नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के साथ। यूपी के अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रोडवेज बस में सवार 38 लोगों ने रूह कपा देने वाला मौत का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। जहां थाना अकाराबाद क्षेत्र के शाहगढ़ रोड पर कासगंज डिपो की एक रोडवेज बस देर रात सड़क पर खचाखच यात्रियों से भरी फर्राटे भर रही थी। रोडवेज बस में अचानक धुआं उठने के बाद भीषण आग लग गई। रोडवेज बस में आग की लपटों को देखकर बस सवार यात्रियों में दहशत फैल गई और चीख पुकार मच गई। बस में भीषण आग लगती देखकर बस में सवार यात्रियों ने चीख पुकार के बीच बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। यात्रियों का सामान सहित बस जलकर पूरी तरह राख हो गया। तो वहीं बस में सवार यात्रियों को इतना मौका नहीं मिला कि वो अपना सामान उस बस से उतार पाते, जिसके चलते बस में रखा यात्रियों का सामान भी जलकर राख हो गया। तो आइए सुनते हैं कि बस में सवार यात्रियों ने क्या कुछ कहा। ये कासगंज डिपो की बस थी। हाँ जी। दिल्ली से कासगंज जा रही थी, तो ये ड्राइवर साहब को लेकर आ रहे थे, तो इनको यहाँ रास्ते में सवारी ने बताया कि थोड़ा धुआं उठ रहा है। तो ड्राइवर ने पूछ गूछ तक तुरंत गाड़ी रोकी, फिर घटा गए, खिड़की खोल कर सभी सवारी को निकाला। तब तक सवारी को निकाली पार के ड्राइवर साहब ने जो बताया गया है, इतने इसमें आग जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सवारी अपना सामान भी नहीं उतार पाई, सवारी सकुशल बच गई है, 38 सवारी थी, और सामान भी सवारी का नहीं बच पाया। और हायर सर्विस की गाड़ी को आने में दूरी होने कारण जो समय लगा है, उस कारण गाड़ी जो है काफ़ी जल गई है। इसमें टायर और अंदर से फर्श भी जल गया है, और सवारी का सामान भी इसमें कुछ नहीं बचा है। तो सवारी सब जल गई है। क्या कोई सवारी का चोट वोट तो नहीं आई? सवारी ड्राइवर की सूझबूझ से बहुत उसमें सूझबूझ से काम लिया, सभी सवारी तारीफ कर रही है ड्राइवर साहब की, उन्होंने सभी सवारी को सकुशल बाहर निकाल लिया। हाँ भाई, कहाँ, क्या नाम है आपका? सोनू यादव। अच्छा, क्या हुआ था? ये गाड़ी आ रही थी आनंद विहार से डिपो एन कासगंज की। अच्छा। ये आगे अलीगढ़ से आगे निकल गए ना गाड़ी, थोड़े दूर पे ना आगे पंचर हो गया। अच्छा। वहाँ से गाड़ी में पंचर जोड़ के आगे को लेके आ रहे आराम आराम से ड्राइवर। ड्राइवर लाने के बाद में आगे आगे थोड़े दूर आया, 10-15 कदम आ चुका है, तो आग लग गया गाड़ी। अच्छा, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान तो हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। एक आंटी का है ना लोंग खो गया, एक का है ना माजी का है ना 10,000 रुपया। किसी की जानवान तो नहीं गई? जान भी कोई किसी का नहीं गया, और कम से कम उसमें 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। ठीक। अपने शहर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।